तो साथियों, अभी जो लंच हो गया है, लंच मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा लंच हुआ है, वो हमने मैगी खाई है। और मैगी खाने के बाद भी सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है जो कि इस बैग में था। और अब नीचे बढ़ेंगे भरमौर की तरफ, लेकिन भरमौर में नहीं जाएंगे, भरमौर को करेंगे बाईपास और उसके बाद सीधे निकलेंगे कुप्ती। तो अभी चलते हैं अपनी बाइक के पास और बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। चलिए, अभी निकल चुका हूँ मैं इस मंदिर से और अब देखते हैं आगे कैसा रहता है भाई हमारा सफ़र। तो टाइम हो चुका है अभी 4:37, थोड़ा सा लेट हो गया भाई। अब कुक्ती गांव में ही जाकर के आगे देखेंगे कि क्या बनता है। तो भाई ये वादी का दृश्य देखिए, अब कैसी है ये वादी। बहुत ही सुंदर वादी। लास्ट टाइम जब यहाँ पे बर्फ पड़ी थी तो भाई हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा पैदल आए थे ऊपर और उस पॉइंट पे जाकर के फंस भी गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से आए थे ऊपर। तो साथ ही आपको भरमौर वैली का बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भरमौर, और ये रही भरमौर की पूरी वैली भाई, ये भरमौर। अब देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ भाई। जी भाई, ये बीच में सबसे बीच में एक बड़ा पेड़ है भाई, वो है 84 मंदिर। अब बढ़ते हैं आगे भाई, अब रुकेंगे नहीं, भरमौर को बाईपास कर देंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, 5:10 रह गए। चलिए, तो भाई ये रहा हड़सर का मेन द्वार, यहाँ से ही बनीमेश की यात्रा शुरू की जाती है। लेकिन ये जो है ये पुराना रास्ता था, अब आगे से यात्रा शुरू होती है। तो लेके चलते आपको उसी जगह पे। तो ये जो रास्ता जा रहा भाई, ये मणिमहेश यात्रा का बिल्कुल मेन रास्ता, यही रास्ता, यहीं से यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे गाड़ियाँ और दुकानें वगैरह उस समय में होती हैं, लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। और इस जगह से आगे मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा अभी कुक्ती गांव में और ये पुल क्रॉस करने के बाद कुक्ती गांव की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। तो भाई अभी मैं बता रहा था आपको, जो पीछे मणिमहेश यात्रा जो यहाँ से लगती है, उसका भी मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया है, लेकिन यहाँ से नहीं, मैंने पैदल यात्रा का ब्लॉग बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा होगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मणिमहेश यात्रा का ब्लॉग देख सकते हैं भाई। एक और ब्रिज क्रॉस करना है हमको। जी सर, ये ब्रिज भाई बहुत ही सुंदर ब्रिज है। तो यहाँ से कुक्ती जो गांव है 12 किलोमीटर है भाई, और चोबिया जो है बिल्कुल सामने है, हमको जाना कुक्ती गांव, तो इस तरफ वाले रास्ते से चल पड़ते हैं। तो चलिए, बिल्कुल सामने ही देखिए कितना सुंदर नज़ारा है भाई, वाह 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 वाह। तो कुक्ती गांव से पहले भाई एक नहीं, दो नहीं, 3-3 झरने एक साथ दिख रहे हैं। अभी हम कुक्ती जो गाँव है उधर से 7-8 किलोमीटर पहले हैं, लेकिन हमको यहाँ से जो दिख रहा है आपको भी दिखाना चाहते हैं भाई, आप ध्यान से देखिए। जी भाई बिल्कुल, जो आप समझ रहे बिल्कुल ठीक समझ रहे भाई, ये मणिमहेश कैलाश जो पर्वत है उसका पीछे वाला हिस्सा है, पिछली तरफ है। तो भाई यहाँ से आपको मणिमहेश कैलाश के दर्शन हो गए भाई। जय हो कलिंग मुरारी और जय हो बाबा मणिमहेश। जो हमारी यात्रा जो है 7 साल में सफल होती दिखाई दे रही है, अभी बस 6 बजे के आसपास हम कुक्ती गांव में पहुंच जाएंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। अगर आगे का सफर लिखा होगा किस्मत में तो जरूर जाएंगे आगे भी। चलिए,
तो साथियों आखिरकार हम पहुंच ही गए कुगती गांव। कम से कम 13 से 14 किलोमीटर के बाद ही कोई गांव आता है इस रास्ते में, और वो है कुगती गांव। और अब हम गांव में पहुंच गए तो सबसे पहले ये देखा जाए कि बाइक कहां पे लगाई जाए, और उसके बाद फिर आगे चलने का फैसला किया जाए। तो चलिए भाई, बाइक कर दी गणी लास्ट है। ये लास्ट कर दी गणी है, बाइक कर लग रही है। ऊपर बंदर ऊंची ऊंची ना खाना पीना करे रहना सब कुछ भाई ये सामान रखना को फिर खाई ले। तो अभी मैंने जो कुगती गांव है उसको क्रॉस किया है और पैदल यात्रा शुरू कर ली है, और पैदल यात्रा यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता बताया जा रहा है भाई। टाइम ऑलरेडी अभी हो चुका है 6:20, मतलब 7:30-8 के आसपास पहुँचूँगा। तो ये जो गांव है भाई, ये है कुगती गांव। यहाँ पे मैंने आगे इधर सामने मैंने बाइक लगाई भाई बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू हो रही है भाई। तो वैसे आजकल ऊपर मंदिर के कपाट वगैरह ओपन है, तो ऊपर जा सकते हैं। अभी मैंने अपना जो लगेज है वो भी नीचे दुकान में छोड़ दी एक भाई की, और अभी खाली बस ये छोटा सा बैग है जिसके अंदर मेरे कपड़े हैं। तो भाई पैदल यात्रा शुरू है, और अब पूरे रास्ते में मैं अकेला दिख रहा हूँ भाई। मेरे को पीछे दो भाई आ रहे हैं, लेकिन वो एक दुकान है पीछे, वहीं तक जाएंगे, और आगे कुछ लोग दिख रहे हैं पर काफ़ी दूर है। तो भाई ये जो सफेदी वाला रास्ता है वो एज पे जो लास्ट में जो बर्फ वाला पहाड़ दिख रहा है वहाँ तक जा रहा है, उसके बाद भी आगे। लेकिन 6:20 पे हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू करी है। वैसे मैं पूरे 6 बजे पहुँच गया था, लेकिन बाइक लगाते हुए और सामान अनलोड करते हुए और भाई की दुकान में रखते हुए 20 मिनट का टाइम लग गया। अब आगे का रास्ता बचा भाई, और ये रास्ता थोड़ा सा मैं जल्दी आया तो और मज़ेदार होता भाई, लेकिन अब मुझे चिंता है कि अंधेरे होने से पहले ऊपर पहुंचना है। कोई बात नहीं, रास्ता तो एंजॉय कर लेंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस भी इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है। तो चलिए, वैसे तो हमने आज पूरा टाइम कवर करा है और ये अंतिम पड़ाव है आज के सफ़र का, ये भी टाइम से पूरा कर लेंगे। चलिए तो भाई, वैसे तो आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ कि अभी जो पैदल यात्रा मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ केलंग मुरारी के मंदिर के लिए। भगवान कार्तिकेय का यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मान्यता रखता है, और बहुत से श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं, बहुत से उपासक आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं भाई। तो हमारी भी मनोकामना कई जमाने से थी, हर बार मनी में चक्कर लगता था, लेकिन पता नहीं क्या होता कि अंतिम में इस मंदिर में नहीं पहुंच पाते। और आज मैं अकेला निकला हूँ घर से, दोस्तों को भी बोला साथ में जाने के लिए, लेकिन सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम थी भाई। इसका मतलब कि भाई मेरा अकेले ही यहाँ जाना लिखा था, तो आज वो समय आ गया जब मैं भी उस मंदिर में पहुँचूँगा भाई। मतलब आज बुलावा आया है भगवान का, इसलिए हम जा रहे हैं। हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है मेरी, क्योंकि बिना रुके मैं चला हूँ, और आदत नहीं है भाई एकदम से पूरा दिन भर बाइक में सफ़र करना और एकदम से पैदल यात्रा। एक बहुत ही खुशी की बात है, पहले मैं सबसे पीछे था और मेरे पीछे कोई नहीं था, और सारे जो भी श्रद्धालु मुझसे आगे थे काफ़ी आगे थे, लेकिन अभी मैंने 4 भाइयों को पीछे छोड़ा है और मैं काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ, मतलब कि मैं अब लास्ट नहीं हूँ। और इससे आगे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल मेरे सामने जा रहे हैं, मतलब कि मेरा स्टेमिना इतना भी पूरा नहीं है, कुछ लोगों से बेहतर है, और अब थोड़ा सुकून भी मिल रहा भाई कि अकेला नहीं हूँ। तो चलिए इसी जज्बे के साथ जय केलंग मुरारी, जय केलंग छतरी, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। जय हो। अभी शाम के 7:02 हो चुके हैं, और अभी जो मेरी मंजिल है
वो मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही भाई। ये जो कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई, ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, यहाँ पे जो भालुओं का बहुत ज़्यादा आतंक है भाई, भालुओं का आतंक है भाई, इसलिए अकेले चलना सेफ नहीं है। अभी तो थोड़ा सा दिन है, लेकिन ये शाम का टाइम भी है, 7:23 हो चुके हैं और ये फाइनल चढ़ाई लगी है। 5 या 10 मिनट में मैं मंदिर में पहुँच जाऊँगा। बारिश भी लगी है भाई और चलते चलते पसीना भी बहुत ज़्यादा पड़ गया, और जो टीका लगाया था ब्रह्माणी मंदिर में वो ही दसी तक आ गया। बहुत मेहनत है भाई, बस भगवान का साथ होना चाहिए था पहुँचते। अब मैं तो यही मानूंगा कि भगवान साक्षात साथ में चले हैं, इसलिए इस समय में अकेले यहाँ पहुँचाऊँ। मंदिर से थोड़ा सा पहले भाई जियो का 4G नेटवर्क आ रहा था, तो मैंने घर पे वीडियो कॉल कर ली है। अभी ज़्यादा अच्छा सिग्नल तो नहीं, लेकिन जियो की सिम में आप यहाँ से घर पे बात कर सकते हैं, तो जब भी इधर आएँ तो जियो की सिम रखना ना भूलें। जय हो, जय हो केलंग वजीर, तेरी सदा ही जय। जय हो, बचपन से इस सफ़र में आने की आस थी। पिछले कल ही भाई ये यहाँ का ट्रैक जो फाइनल हुआ, पिछले कल भी फाइनल हुआ एक्चुअली, सोचा था, लेकिन फाइनल तो ये हुआ आज सुबह जब निकला, उसके बाद ही समझ पाया कि इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में कोई और जगह आ नहीं रही थी। जय हो। Yeah.